सत श्री अकाल जी, सारिआं नूं स्वागत करदी हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज की इस वीडियो दे विच असी करांगे लास्ट पार्ट एलसीएम ते एचसीएफ दा। हाँ जी, अज असी एलसीएम ते एचसीएफ दा चैप्टर पूरे दा पूरा कंप्लीट कर देना है ते लास्ट पार्ट है जिहड़ा तुहाडे लई मैं अज लैके आई हाँ। जेकर तुसीं किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जब मैं चैप्टर तुहानूं शुरू करवाया सी ते उसकी स्टार्टिंग दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मैं तुहानूं इस तरह के क्वेश्चनस करावांगी कि इन्ना एलसीएम ते एचसीएफ दे नाल रिलेटेड तुसीं किस तरह के क्वेश्चनस एग्जाम दे विच सॉल्व कर सकदे हो या किस तरह के क्वेश्चनस सानूं आउंदे ने ते सानूं टॉपिक का नाम भी नहीं पता हुंदा कि किहड़े टॉपिक दे विचों आ जा करना है। जिवें कि मैं तुहानूं ऑलरेडी फ्रैक्शन वालिआं दा एलसीएम लैणा सिखाया होया है, सेम उही प्रोसैस ला के तुसीं एलसीएम लैंदे होए हो, नंबर फाइंड आउट कर दो जिहड़ा इन्ना फ्रैक्शनस दे नाल कट्टिया जावे। उही तां उहने पुछिआ है इस क्वेश्चन दे विच की बोल रहे हो इस क्वेश्चन कि द समोलैसट पॉजिटिव नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1/3, 1/2, 3/7, 4/11 इज कि कोई इदा का समोलैसट पॉजिटिव नंबर है जिहड़ा इन्हां फ्रैक्शनस दे नाल पूरा पूरा कट्टिया जाए। तो हाँ जी, बिल्कुल सानू मिलेगा जेकर असी एलसीएम करके लभांगे उन्हों। ठीक है, एलसीएम दे विच की है, एलसीएम दे विच मैं तुहानू दस्सिया होया है इहदा मतलब की हुंदा कि जां तां ओह नंबर इहदी मल्टीप्लाई दे विच पिया वा जां किसी ना किसी टेबल दे विच पिया वा। तो सब तो पहलां असी की करांगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लैने। एलसीएम दा किदां पता करीदा वा, भिन्नां दा एलसीएम किदां कढ़दे आ असी, उपर वालिआं दा एलसीएम लैने आ एलसीएम ऑफ न्यूमीरेटर एंड हेठां वालिआं दा एच सी एफ लैने आ एच सी एफ ऑफ डिनोमीनेटर। ठीक है, हुण जदों असी एलसीएम लवांगे इन्हां नंबरां दा, देखो 4 ते 3 दा आपस दे विच कोई लेना देना नहीं गा। ठीक है, नाल पिया वा 1 तां यही सीधे मल्टीप्लाई हो जाणगे, इन्हां दा ही एलसीएम बन जूगा। यही हेठां वाले नंबर आ जिहड़े मेरे कोल की आ प्राइम नंबर आ, 3, 2, 7, 11 आपस दे विच कुछ भी कॉमन नहीं गा, उपर दी है प्राइम नंबर आ। प्राइम नंबर दा मैं हमेशा तुहानूं दस्सिया सी अगले पार्टां दे विच वी असी कर चुके हाँ पिछलियां च कि एच सी एफ ऑफ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज 1। हमेशा ही अभाज संख्यावां दा जिहड़ा असी फाइंड आउट करदे हाँ महत्तम समावर्तक वह की होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह तुहानू नंबर मिल गया 12/1। हेठां 1 का कोई मीनिंग नहीं हुंदा, 12 मतलब वो 12 नंबर आ जिहड़ा इन्हां नाल पूरा पूरा वंडिया जाएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, नंबर ही तो पूछिया सी, अगे असी कर लैने क्वेश्चन नंबर 2। उहदा लैवल थोड़ा इस तो भी हाई होगा। ठीक है, पर करन दे विच बहुत शॉर्ट ट्रिक लगा के बहुत ही ईजी बन जाएगा तुहाडे लई। हाँ जी, अगे असी करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा कि तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। सब तो पहला तुसी देखो, 4 runner स्टार्टिंग रनिंग द रेस इन द सेम डायरेक्शन अराउंड अ सर्कूलर पाथ ऑफ 7 किलोमीटर। वो कहिंदे एक सर्कूलर रस्ता वा, ठीक है, गोल रस्ता वा जिहड़ा कि 7 किलोमीटर का वा, तो इस दे विच 4 दौड़ाका जिहड़े कि सेम डायरेक्शन तो भज्जना शुरू कर देंदे आ। भज्जना कदों शुरू करदे आ, वो कहिंदे देखो उन्हां दी स्पीड भी दित्ती हुई है, इफ़ देयर स्पीड आर दिस, उन्हां दी स्पीड आ 4, 3, 9 ते 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे दी आ उन्हां दी स्पीड। तो इफ़ दे हैव स्टार्टिड देयर रन एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, वो कहिंदा जेकर ओह मॉर्निंग दे 6 मतलब सुबह दे 6 बजे भज्जना स्टार्ट करते हैं, दैन एट वट टाइम दे वैल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो किन्ने टाइम तो किन्ना टाइम होया होगा जदों वो मिलते स्टार्टिंग पॉइंट ते मिलणगे, मतलब किन्ना टाइम होया होगा जदों स्टार्टिंग पॉइंट ते मिलणगे। मैं एक बार रिवाइज़ कर दिनी हाँ, 4 दौड़ाका मॉर्निंग 6 बजे भज्जना स्टार्ट करते हैं, भज्जना स्टार्ट करते हैं सर्कूलर पाथ ते, एक गोल सर्कल दे विच जिहड़ा कि 7 किलोमीटर का वा भज्जना स्टार्ट करते, उन्हां दी स्पीड अलग अलग दित्ती हुई है तुहानूं तुहाडे सामने आ देख सकदे हो तुसीं। तो वह कहिंदे जेकर वह मॉर्निंग दे 6 बजे भज्जना शुरू करते हैं तो किन्ने टाइम ते वह स्टार्टिंग पॉइंट ते मिलणगे। हुण देखो उन्हां दी स्पीड अलग अलग आ, जे उन्हां दी स्पीड अलग अलग आ तो फिर इहदा मतलब की आ, वह किसी एक सर्कल दे विच तां नहीं मिलणगे इकट्ठे, जो उन्हां दी स्पीड अलग अलग आ तां एक सर्कल दे विच तां सानूं इकट्ठे नहीं मिलणगे, पर कई सर्कल लगाउण तों बाद कोई ना कोई इदां दा सर्कल जरूर आवेगा जदों वह इकट्ठे मिल जाणगे। तां उस दे लई असीं की करना वा, सब तो पहलां तुसीं छोटियां क्लासां दे विच कीता होया वा टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सब ने कीता होना है। ठीक है, सब तो पहलां असीं की करने आ, सानूं स्पीड पता वा, ठीक है, डिस्टेंस पता वा 7 किलोमीटर का वा, तो असी लगा लिया 7 किलोमीटर, पहले दी स्पीड है 4,
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 9 ਆ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? 3.5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਕੇ 0 ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟੂੰਗੀ 35 x 35, 35 × 70 2/1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਐਲਸੀਅਮ ਕੱਢਣਾ। ਐਲਸੀਅਮ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਲਸੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਫ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈਣਾ। ਐਲਸੀਅਮ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ? ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲਈਦਾ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ 3 ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, 7 ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾ? 2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। 7 × 2 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 14। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਸੀਅਮ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ HCF। 4 3 9 1। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਦੇਖੋ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਆ ਅਤੇ ਨਾ 1 ਨਾ 9 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੋਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੋਮਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ? 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ, 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣ, 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਐਟ ਵਟ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ 12 ਘੰਟੇ। ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 12 ਘੰਟੇ, ਮੋਰਨਿੰਗ 6 ਤੋਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ 6 ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ 6 ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। 14 ਘੰਟੇ ਲੈਣਾ, 12 ਹੋ ਗਏ 12 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ 12 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 14 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੇ 12 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਤੱਕ 12 ਬਣਦੇ ਆ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 13 ਬਣ ਗਏ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 14। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ 8, ਕਿ 8 ਐਟ ਓ ਕਲੋਕ 'ਤੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਲਸੀਅਮ ਅਤੇ HCF ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਸੀਅਮ ਅਤੇ HCF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।